भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला पूरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा। बता दें आपको कि न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर यह मुकाबला 4 विकेट से जीता। बड़ी बात यह रही कि रॉस टेलर ने बेहतरीन पारी खेली, जिस वजह से भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड को T20 में 5-0 से रौंदने के बाद हर फैन को उम्मीद थी कि भारत वनडे सीरीज भी 3-0 से जीतेगा, लेकिन आज जिस तरह की गेंदबाजी भारत ने की वो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। आज इस मुकाबले में 3 खिलाड़ी मैच के मुजरिम रहे। सबसे बड़े मैच के मुजरिम रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 2 विकेट तो जरूर झटके लेकिन 84 रन दे दिए अपने खाते से, जिसकी वजह से भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। टॉम लेथम और रॉस टेलर की पार्टनरशिप को वो नहीं तोड़ पाए। वहीं कुलदीप यादव ने रॉस टेलर का एक बेहतरीन कैच छोड़ा। वहीं दूसरे मुजरिम रहे केएल राहुल, जिन्होंने अच्छी पारी खेली 88 रनों की, लेकिन उन्होंने विकेट के पीछे 3 कैच छोड़े जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। और तीसरे और सबसे अहम मुजरिम रहे कप्तान कोहली, जिन्होंने टीम में सिर्फ 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जब वो केदार जाधव का इस्तेमाल कर सकते थे। शायद यही वजह रही कि भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड ने अपना फ्लो पूरे तरीके से पकड़ लिया। अब बचे हुए 2 मुकाबले भारत को जीतने होंगे अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है तो। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अगले मैच में क्या पहले वनडे की हार से कुछ सीखती है या नहीं। ANP न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।